अरे बहुत दिनों से सर्कस नहीं देखा हूँ और सुना हूँ कि इस अपने सर्कस वाले मैदान में नए नए सर्कस वाले आए हैं। बटलू भैया, अरे कहाँ जा रही है रे बाबा? कान वाले, अरे अच्छा हुआ तू मिल गया। चल चल सर्कस देखकर आते हैं, ऐसे भी अकेले जाने का मन नहीं करता है। अरे बड़ा मजा आएगा, चलो देखने। अरे बटलू भैया, पर बच्चू और बिच्चू का आवाज सुनाई पड़ रहा है रे बाबा। अरे बाबा, अरे यार आवाज तो सुनाई देगा ही हम दोनों की, क्योंकि हम दोनों तो यहाँ पे पहले से बैठे हुए हैं। हम लोग भी सर्कस देखने जाएंगे बटलू भैया। अरे अच्छा चलो हम सब मिलकर चलते हैं। तुम्हारा नाम क्या है भाई? बटलू। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है बटलू, तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। आज जो सर्कस करने वाला आने वाला था वो तो आया नहीं, तो उसके जगह पे आप ओ समझ गया, इसका मतलब उसके जगह मुझे खेलना पड़ेगा। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। अरे उम्मीद करता हूँ कर पाऊंगा। और सुनो, तुम लोग अंदर जाकर बैठो, तुम लोगों में से किसी का कोई टिकट नहीं लगेगा। मैं अंदर जा रहा हूँ। आ रहा है हम लोगों का बटलू, वो दिखाएगा आज का सर्कलिंग बोर्ड का खेल। तो दोस्तों दिल थाम कर बैठिए, आ रहा है हम लोगों के सामने अपना बटलू। रहने दो भाई, तुम्हें नहीं करना होगा। अरे यार तुम तो मेरा सर्कस ही बैन कर दोगे। अरे नहीं नहीं, बहुत दिनों से सर्कस नहीं किया हूं ना, बैलेंस मेरा बिगड़ गया। आप चिंता ना करो, अब मैं तुम्हें उम्र वाला खेल दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं सबको अच्छा लगेगा। बस रहने दो अपना ये तोड़ने वाला खेला। ये लो पैसा और भागो यहां से, इधर कभी मत आना। अरे चलो तुम सब यहां से, अब हम लोगों को सर्कस नहीं देखना होगा। मैं पहले कुछ दिन प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद दिखाऊंगा इन लोगों को। अरे बाटू भैया, तुम कुछ बोले नहीं, तुम्हारे साथ इतनी बड़ी बेइज्जती की। अरे नहीं यार, मुझसे ही गलती हुई थी। एक काम करता हूँ, अब मैं आज से प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद उन लोगों को मजा चखाऊंगा। बटलू ये क्या हो रहा है? तुम्हारे ये प्रैक्टिस की वजह से सारे मोहल्ले वाले अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं। बंद करो अपना यार प्रैक्टिस। तुम्हारे बॉल फेंकने से लॉकअप के सारे लोहे टेढ़े हो गए हैं और सारे चोर भाग जाएंगे और तुम्हारे वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे पता नहीं ये सब क्या बोल रहे हैं। हाँ भाई प्रैक्टिस करो। हाँ अब तो पब्लिक तुम्हें सबक सिखाएगा। हाँ समझ गया बच्चू। हाँ
अरे चलो अब हम लोगों को भड़काएंगे ताकि बटलू को आओ 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 आओ। अरे खुले आसमान के नीचे एकदम निश्चिंत होकर प्रैक्टिस करूंगा। ये बाबा, ये बाबू रे बोलता रे, ये बम की तरह आवाज किया हो गया रे बाबा रे बाबा, ये तो लग रहा है ये प्लेन हाईजेक होगा रे बाबा रे बाबा, ये बाबू रे गड़बड़ बोलता रे। ये राजू ये क्या हो गया? भैया चुपचाप बैठ जाओ, अगर ज्यादा चिल्लाओगे ना ये लोग तुम्हें हमेशा के लिए बंद कर देंगे। सुनिए यात्री जन, कृपया करके शांत होके बैठिए, ऐसा लग रहा है कि दुश्मनों ने हमला किया है, आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, करके शांत होके बैठिए। अरे बहुत तेज उछाल दिया था लेकिन इस बार मैं बहुत आस्ते उछालूंगा। चलो भाइयों हम लोगों का खराब दिन चल रहा है, अरे चलो हम लोग मिलकर बटलू का मोटाई बचकाते हैं। चलो हे भाई इस बार हम लोग सबको सेट कैलाश हम। अरे सबके साथ बच्चू हाथ मिलाकर मुझे मारने आ रहा है, रुको मैं और सबको मजा चखाऊंगा। अरे आओ आओ आओ, अब समझा? ऐसे ही नचाता रहूंगा तुम लोगों को। अरे मैनेजर बाबू ये नया सर्कस का खेल कैसा लग रहा है? चलो आओ भाई, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। अरे आप हमारे सर्कस में आ जाओ और ऐसा खेल दिखाओगे तो मेरा सर्कस बहुत जमेगा। चले आओ यही सर्कस होगा इस साल का नंबर वन। अरे बटलू तुम जिसे पकड़ कर लाए हो खेलने के लिए वो हमारे इलाके के एक से बढ़कर एक डॉन और माफिया है, अब तो सरकार तुम्हें इनाम देगी। वो सब मैं कुछ नहीं जानता लेकिन ऐसे खेलने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है। दोस्तों आज आप लोग देखोगे एक सर्कस का एक लाजवाब खेल जो मनुष्य को बहुत मनोरंजन देगा, और वो दिखा रहा है आपका बटलू। मस्ते अरे